हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़ आज मैं आपको अमूल ताज़ा होमोजिनाइज्ड टोंड मिल्क से पनीर कैसे बनाया जाता है वो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने 1 लीटर अमूल ताज़ा टोंड मिल्क लिया है और इसको मैंने हाई फ्लेम पर 1 उबाल आने तक उबाल लेना है। एक उबाल आ गया है, अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और हमें अब 4 टेबलस्पून भरकर दही चाहिए। यह 2 कड़छी है तो 1 कड़छी मैंने डाल दी है, 1 कड़छी और डालेंगे तो यह 4 टेबलस्पून के बराबर है। और अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, इसको लगातार तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि हमारा दूध फट ना जाए। गाइज आप चाहो तो इसमें 2 टेबलस्पून विनेगर या 2 टेबलस्पून नींबू का रस या फिर 2 पिंच आप नींबू शक्कर इसमें डाल सकते हो तो आपका दूध भी अच्छे से फट जाएगा। बट मैंने इसमें कर्ड का यूज किया है तो देखिए गाइज कर्ड से भी काफ़ी अच्छा पनीर बनकर तैयार होता है। तो अब मैंने छन्नी ली है, अब इसमें मैंने कॉटन का कपड़ा रख लेना है और जो दूध फट गया है वह अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम जो कड़छी रखी है साइड में उसको लेंगे और अच्छे से चारों साइड इसको चलाते रहेंगे ताकि जो हमारा पनीर है उसका पानी सारा निचोड़ के कपड़े से छन्नी से नीचे बाउल में चला जाए। तब चारों कोनों को हमने इकट्ठा करना है कपड़े के और इसको अच्छे से एक जगह ला के जो एक कोना है इसका इसको अच्छे से इससे बांध देना है। और इस तरीके से हमने देखो बांध लिया है, एक पोटली टाइप तैयार कर ली है इसकी। और इस छन्नी के ऊपर हम इसको अब रखेंगे साइड में और जो हमारा यह जो दूध का फटा हुआ पानी निकला है इसको हम परांठे में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। और अब हम जो यह पोटली है इसके ऊपर पत्थर, भारी पत्थर या फिर कुछ और भारी आइटम इसमें रख सकते हैं ताकि जो पानी है वह छन जाए और हमारा पनीर जो है बनकर अच्छे से निकल जाए। इसको हमने आधा घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था और देखिए नीचे पानी निकल गया है इसका। और आधा घंटा के बाद अब मैं पोटली खोल रही हूँ तो ये देखिए गाइस हमारा पनीर बनकर रेडी हो गया है, ये देखिए। तो 1 लीटर दूध से मेरे को 250 ग्राम पनीर अच्छे से बन गया है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा बना है हमारा पनीर दही से। तो अब मैं इसको कट कर लेती हूँ, ये देखिए गाइस कितना अच्छे से कट हो रहा है। आप इसको अब किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा पनीर जो है पीसेस में बनकर लगभग रेडी हो ही गया है। तो ये देखिए गाइस मैंने पीसेस में भी इसको कट कर लिया है तो अब हमारा पनीर बनकर रेडी हो गया है। तो आप इसको बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।